नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज से केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। याद रखिए, इसमें हम लोग 1100 के करीब लगभग हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। याद रखिए, पहले हम लोगों ने जो देख चुका है केमिस्ट्री से संबंधित जितने चैप्टर थे टॉपिक, उन्हें देख चुके हैं। और इसे सॉल्व करने के बाद, 1100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। इतना हमारे लिए केमिस्ट्री से संबंधित काफ़ी मटेरियल है। ठीक है, तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चंस जाए। तो पहला क्वेश्चन है, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। डी ऑप्शन है पहले का। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाया जाता है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेवर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण इत्यादि में होता है। ऑक्सीजन की खोज जेब प्रेस्टलिन के द्वारा की गई। यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से भरी कुछ भारी गैस है। यह स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती है। इसे प्राणवायु, लाइफ एयर भी कहा जाता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपर रूप है जो सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को पृथ्वी पर सतह पर आने से रोकती है। समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता अधिकतम होती है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में, कीटाणु नाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका खोज हेनरी क्वेंडिस के द्वारा की गई। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में हेवर विधि द्वारा, अमोनिया के निर्माण में होता है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1722 में की थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है, तो याद रखना प्लेटिनम। पृथ्वी पर पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु प्लेटिनियम है। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबर साल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में होता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट से होता है। कॉपर सल्फेट, इसे ब्लू बेटरायोल कहा जाता है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नालाइट वो एस के से किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ड्यूरा लुमिन Mg का मिश्र धातु है। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में होता है। भूपर पट्टी का में सबसे अधिक ऑक्सीजन 40%, 40.8%, दूसरे स्थान पर सिलिकन 27.72 और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, जल का शुद्धतम रूप है, याद रखना वर्षा का जल, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। चौथा क्वेश्चन है, पैरासीटामोल है, तो याद रखना एक पीड़ा हर, पैरासीटामोल एक पीड़ा हर है। सल्फा ड्रग्स, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। सल्फानिलमाइड, सल्फा
डाइजीन, सल्फा, थायोजोनम इत्यादि। ठीक, फिर है हमारा क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन है तो याद रखना पिति जीवाणु है, एंटीबैक्टीरियल। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लोरोमाइसिन पिति जीवाणु, पिति जीव वाहिक है। इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक इत्यादि से होता है। ये औषधियाँ अन्य जीवाणुओं को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। एंटीसेप्टिक, यह भी जीवाणुओं को नष्ट करती हैं किंतु यह घाव भरने में सहायक होती हैं, जैसे इथाइल आयोडाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो याद रखना अपचयन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें प्रत्येक, इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग होता है। वर्जीलियस के द्वारा उत्प्रेरक का खोज किया गया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से सहयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या विद्युत ऋणात्मक तथ्यों से सहयोग होता है या धनात्मक तथ्यों में कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक रूप से गन्ने का की शर्करा है। तो याद रखना सुक्रोज, रासायनिक रूप से गन्ने का रस सुक्रोज है या कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड का प्रकार है जिसमें दो मोनोसेकेराइड के अणु मिलकर बनता है सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज। बात करते हैं, और 8वां क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो याद रखना 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। इसका अणु भार 20 होता है तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक रूप में इसका उपयोग होता है। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो याद रखना ऑक्सीजन तथा हीलियम। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं। 11वां क्वेश्चन, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो याद रखना और अधिक ठोस विलेय घुलने में असमर्थ। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और विलयम और अधिक ठोस विलेय घोल में असमर्थ होता है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा इस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लाउंड्री साबुन क्या है? याद रखना प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। लाउंड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण कहा जाता है। NaCl को बर्फ के साथ मिलकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में NaCl कम हो जाता है। छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं नीलम्बन कहलाते हैं, जैसे नदी का गंदा जल, वायु में धुआं। क्वेश्चन नंबर 13, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो याद रखना इसमें होगा डी ऑप्शन सही। एरोमेटिक तथा एलिफेटिक
सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण, ठीक। इसकी व्याख्या की बात करें तो संश्लेषित अफमारजक एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जित कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करते हैं। साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो याद रखना, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में घुलनशील होते हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण में जल में घुलनशील होते हैं। कठोर जल में उपस्थित Ca+2+ एवं Ng2+ में आयनों के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाता है, जिसके कारण यह खूब झाग देता है। क्वेश्चन नंबर 15, चूने के जल में होता है, तो याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है Ca(OH)2, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, रंग बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु के नमूने में क्या है? याद रखना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अक्रिय गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो याद रखना, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, लेकिन सामान्यतः 78.07 नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है 0.93% तथा अन्य इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार बदला जाता है? तो याद रखना, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये ऑप्शन सही है। हाइड्रोजनी की प्रक्रिया द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में के रूप में बदला जाता है। आसवन, आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। जल का शुद्धिकरण, रवाकरण, इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। CuSO4 को उसके घोल से अलग करना। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो याद रखना, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप में रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र है Fe2O3 XH2O, एक्स अणुओं की संख्या है। लोहे में जंग लगाने से इनका वजन बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए हमें इस पर जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्विनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो याद रखना है, शुद्ध कार्बन। रासायनिक रूप से हीरा शुद्ध कार्बन है, जो कार्बन का अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 21, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो याद रखना, ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीकरण को तनु करता है, जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने तथा द्रव नाइट्रोजन का उपयोग पिसीतक के रूप में खाद्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22, दो विलयनों को कम कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो याद रखना, उनका परासरण दाब समान हो, दो विलयनों में जब उनका परासरण दाब समान हो तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो याद रखना, तरल। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस तरल अवस्था में रहता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतरणविक बल अधिक लगता है। द्रव का आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतरणविक बल कम लगता है। गैसों का आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल का विलयन कहते हैं। बात करते हैं 24वां क्वेश्चन, रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो याद रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी में एथाइल मार्केप्टन को मिला देने पर वह विशेष प्रकार का तीखा गंध होता है। मैथेन को मार्स दलदल गैस भी कहा जाता है। धान के खेतों में पर्याप्त मैथेन गैस निकलता है। सीएनजी में सबसे अधिक 85% मैथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होता है। प्राकृतिक गैस में भी सबसे अधिक मैथेन 83% होता है। बायोगैस में सबसे अधिक 65% मैथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अभ्रक क्या है? याद रखना, ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक, अभ्रक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एंजाइम कैसे बनते हैं? एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? तो याद रखना, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण तक पदार्थों में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होता है। बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें आर्गन भरी रहती हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है क्योंकि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो याद रखना, कुछ अधिक। परम 30वां क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन होगा सही, सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें 273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य माना जाता है, परम ताप पैमाना कहलाता है, -273। क्वेश्चन नंबर 31, ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है भी हैं, तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम आती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केल्विनीकरण। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। विद्युत लेपन, निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको
आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने को की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, वाल्किनीकरण। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की क्रिया को वाल्किनीकरण कहते हैं। आगे बात करते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 34 है, पशुओं की हड्डियों और दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? तो याद रखो कैल्शियम फॉस्फेट। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, रासायनिक रूप में शुष्क हिम है, तो याद रखना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप में शुष्क हिम को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है, याद रखिए क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 37, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। क्वेश्चन नंबर 38, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो याद रखना पिटवा लोहा में। कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहा में होती है, इसमें कार्बन 0.12 से 0.25% होता है। इस्पात यह लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% होती है। ढलवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा 0.5% होती है, इसी कारण यह कठोर एवं भंगुर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों के सड़ने से बनने वाला मार्श गैस है मेथेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा 40, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 42, नींबू तथा संतरे में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, क्लोरीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 44, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है एथिल एल्कोहल। शर्करा के किण्वन के पश्चात एथिल एल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन किण्वन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है, किण्वन कहलाता है, जैसे C6H12O6+H2O, ईस्ट और संयुक्त C6H12O6+C6H12O6 बनाते हैं, ठीक। C6H12O6 ईस्ट जाइमेट से क्रिया करके 2C2H5OH+2CO2 एथाइल एल्कोहल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नाइट्रोजन यौगीकरण का अर्थ है, तो याद रखना वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 46, काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, तो याद रखना वायु की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 47, जंतु चारकोल प्राप्त होता है, तो याद रखना वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 49, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है। प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, क्लोरीनीकरण है, तो याद रखना शुद्ध अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना, ठीक है, बी ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51,
यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथापि फिलामेंट जल नहीं पा जाता है। क्यों? क्योंकि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती है, क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है, उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, इस्पात में होता है तो याद रखना 0.1 से 2% कार्बन। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम एवं निकेल होता है, इसमें क्रोमियम की मात्रा लगभग 18% होती है। क्रोमियम की मात्रा अधिक होने पर स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। इस्पात का उपयोग बर्तन बनाने में, पुल बनाने में, औजार बनाने में, रेल पटरी बनाने में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, लारमंड स्टार्च को जल अवघटित कर निम्नलिखित बनाता है, याद रखना ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 54, श्वसन क्रम में वायु के जिस घटक का उपयोग होता है वह है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 55, एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 56, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 57, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं, तो याद रखना आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है, डी ऑप्शन क्या है, लोहा, लोहा है। ठीक है, डी ऑप्शन है इसमें। व्याख्या देखते हैं, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु लोहा है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क ऑक्साइड है, इसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट में किया जाता है। पीतल Cu+Zn, कांसा Cu+Sn। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः केल्विराइट एवं सिल्विनाइट से किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त होती है, 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो याद रखना मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है, इसमें 65% मीथेन पाया जाता है। वायु गैस गोबर गैस से मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। यह एक उत्तम किस्म का ईंधन है, इसमें धुआं नहीं निकलता। बायोगैस में समाप्ति के बाद संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ में N2 फास्फोरस के कई यौगिक मौजूद रहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जानवरों एवं पेड़ पौधों से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप बायोगैस निकलता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है, यह जानवरों के अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है। वर्जिलियस के शिष्य वोगलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इन्होंने अमोनिया साइनेट को गर्म कर यूरिया प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन पीएच प्रदर्शित करता है, पीएच प्रदर्शित करता है, तो याद रखना विलयन की अम्लता तथा क्षारता को। ठीक है, किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस घोल का पीएच कहते हैं, पीएच मान। अगला है 62, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग
हो सकता है, तो याद रखना दो। क्वेश्चन नंबर 63, किस निम्नलिखित जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है इसे। इसका उपयोग साबुन, कागज बनाने में, कागज के निर्माण में, सूती कपड़ों में, चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 64, सेलों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सिलिकन। क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। सिलिकन प्रकृति में रेत और पत्थर के रूप में पाया जाता है। यह अपरूपता की घटना प्रदर्शित करता है। यह एक अधातु है। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी की परत में इसकी प्रतिशतता है 26%। सिलिकन कार्बाइड, इसे कार्बोनडम एवं किंतम हीरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाती है, तो 66 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आग बुझाने के काम में लाई जाती है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। शीतल पेय पदार्थों की बोतलों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है मीथेन। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है मीथेन। नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। यूरिया में 46% होता है। पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित गैसों के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यह रंगहीन दम घुटने वाली गंधयुक्त हवा से भारी तथा विषैली गैस होती है। इसका उपयोग विरंजक के रूप में होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड सूर्य प्रकाश में क्लोरीन के साथ संयुक्त कर फॉस्जीन या कार्बोनिक क्लोराइड का निर्माण कर जो एक विषैली गैस है। बात करते हैं 69, क्वेश्चन नंबर 69, सिलिकन तत्व में पाया जाता है, तो याद रखना सिलिकन तत्व रेत में। क्वेश्चन नंबर 70, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है। किसी यौगिक की द्रवित अवस्था का घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अवघटित करने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से बना होता है, तो याद रखना कार्बन। क्वेश्चन नंबर 72, 71 देख लिया, बात करते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है, तो याद रखना क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 73, लोहे का उत्पादन निम्नलिखित विक्रम से होता है, तो याद रखना अपचयन। लोहे अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन विधि से होता है। लोहे का निष्कर्षण वात भट्टी का प्रयोग किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, एथिलीन और स्टाइलीन की व्यापारिक उपयोगिता की उसकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होती है, बहुलकीकरण द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75,
पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच मान वाले यौगिक हैं सिरिका, ठीक है, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है सिरिका, इसका पीएच मान होता है 2.4 से 3.4 तक। किसी घोल का अम्लीयता की क्षारीयता की व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग होता है जिसे इस मापदंड को पीएच स्केल कहते हैं। इसमें 0 से 14 तक क्रम दिए होते हैं अंक, इसमें 1 से 7 तक अम्लीय, 7 है उदासीन और 8 से लेकर 14 तक क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 76, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक बेंजोइक है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ऐसे पदार्थों को जिनका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, साधारण लवण NaCl, जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, यह जल में घुलकर Na+ एवं Cl- आयन बनाता है। एथिल अल्कोहल, इसका उपयोग शराब के रूप में होता है, यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। मोटर एवं हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 78, सूरा से शुद्ध अल्कोहल इस विक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, बी ऑप्शन होगा आसवन। क्वेश्चन नंबर 79, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है एथिलीन। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस एथिलीन बदल जाने वाली गैस है क्लोरीन गैस, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यह दम घुटु एवं बेसैली गैस है। यह ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म एवं पेयजल को शुद्ध करने एवं चीनी को सफेद करने इत्यादि के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, क्या है 80 सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है साधारण नमक, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़ी आदि के रूप में पाया जाता है, यह जल में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग दंत मंजन पाउडर पेस्ट बनाने में तथा दीवारों पर सफेदी करने के तथा सीमेंट उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या के बराबर होती है, नाभिक के प्रोटोनों के। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 82, शर्करा विलयन के किण्वन से बनता है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 83, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है CO2 तथा C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 84, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान 2 है, इसमें निम्नलिखित के मिलाने से इसका पीएच मान बढ़ जाएगा, जलीय अमोनियम। क्वेश्चन नंबर 85, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में से काम आता है, तो याद रखना उर्वरक बनाने में। क्वेश्चन नंबर 86, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं, तो याद रखना क्लोरीन, उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है, फॉस्फोरेट नाइट्रोजन के अनुरूप होता है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में फॉस्फोरस अनिवार्य है, जानवरों की हड्डियों में 85% कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है, जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है, यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक ईंधन या भूपर्पटी में बहुत नीचे अवसादी या परतदार चट्टानों की परतों के बीच पाया जाता है, इसे काला सोना, द्रव सोना भी कहा जाता है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड
कि बहुलीकरण में पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने के, विद्युत तार की कवर बनाने में, जूता सोल इत्यादि बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 88, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से है, कोयला। क्वेश्चन नंबर 89, अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है, सामान लवण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? तो इनमें इनके अणु एवं नियमित विन्यास में अत्यंत निकट में से बंधे होते हैं, और लागू कौन कौन से होते हैं? एक दो, ए बी सी। इनके अणु पात की दीवार से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं। इसके अणु आपस में टकराते हैं, ये भी सही है। तापमान बढ़ने से इसके अणु अधिक यादृच्छिक गति से घूमते हैं लगते हैं। ठीक है, 90 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 91, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है? तो याद रखिए इसमें बी है, कोक। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोहे के उत्पादन के लिए कच्चे वस्तु के रूप में कोक का उपयोग होता है। कोक कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके इसके बाष्पशील अवयव निकल जाते हैं तथा जो अवशिष्ट बचता है उसे वह कोक कहलाता है। इसमें 80-85% कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में, ईंधन रूप से ईंधन एवं इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर है रबर, प्राकृतिक रबर आइसोपीन का बहुलक है। लेटेक्स में 1% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है जिससे फलस्वरूप रबर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 92, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में आमिश्रणीय है और पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93, बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है ग्लूकोज, नायलॉन यह पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण एडेपिक अम्ल एवं एक्सा मेथिलीन डाई एमिन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर, रस्सी, पैरासूट बनाने में होता है। सेलुलोज का निर्माण सोडियम डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड से मिलकर होता है। रियान एक प्रकार का रेशा है जिसका उपयोग निर्माण सेलुलोज से होता है। रियान का उपयोग वस्त्र कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 94, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है, तो याद रखिए कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 95, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, मोटर कार्यों में पेट्रोल का दहन। रासायनिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों में से पेट्रोल का दहन। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से दही बनना, लोहेस में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण प्रदूषण करने वाली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 97, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है ग्रेफाइट। क्लोरोफॉर्म निषेचक है या चीड़ फाड़ जैसे कार्यों में इसका उपयोग होता है। सांस के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी होती है। क्वेश्चन नंबर 98, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 99, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है, साबुन। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करके करने से बने यौगिक साबुन की तरह काम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं,
एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। H2SO4 का उपयोग स्टोरेज बैटरी पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है। यह एक प्रबल निर्जलीकारक है। चलिए, तो ये थे हमारे केमिस्ट्री से संबंधित 100 क्वेश्चन। आगे बात करेंगे 101 से, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, याद रखिए, ये भी तुम्हारे सभी जितने भी लेक्चर होंगे वो सभी जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में मिल जाएंगे। ठीक है।